Hello student, our today's topic is derivative of inverse trigonometry function. अब इसके formulas, dependent trigonometry formulas, inverse के derivative की formula हमने video number 13 में देखी हुई है. I think आपने learn by heart भी किया होगा, तैयारी भी की होगी उस formula की, क्योंकि आज का टॉपिक वो फॉर्मूला की एप्लीकेशन देना है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डीवाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. फाइंड डीवाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. नाउ स्टूडेंट, जब भी ये जो हमारा टॉपिक है जो हम सम की प्रैक्टिस करनी है वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. जब भी हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का यूज करेंगे, यानी कॉट इनवर्स है, साइन इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, तो हम सिंपल मेथड का यूज करें जो अभी हम कर रहे हैं. लेकिन जब सम ओरिजिनल नहीं होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा, साइन इनवर्स समथिंग कुछ होगा, टेन इनवर्स एक्स नहीं होगा, टेन इनवर्स समथिंग कुछ होगा, तो इन दैट केस हम दूसरी मेथड लेंगे. तो अभी हमने होमवर्क में भी दे रखा हुआ है और हमने असाइनमेंट में भी इस टाइप का सम कवर कर रखा है. वीडियो नंबर 13 में भी हमने लिया था. फिर से एक बार इस टाइप का हम नॉर्मल सबसे पहले सम ले रहे हैं. सो वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू कॉट वाई. नाउ आफ्टर दिस टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, so d by dx of x equals to d by dx of cot y. Now d by dx of x, that is 1, and cot y derivative with respect to x, so y हमारा implicit function होगा. In that case cot y की derivative हम लिखेंगे minus cos x square y. एंड बिकॉज ऑफ इट इज इम्प्लीसिट डीवाई बाई डी एक्स सपोर्टेड में रखेंगे. नाउ डीवाई बाई डी एक्स को हम प्रिंसिपल बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन कॉसेक्स स्क्वेर वाई. नाउ डीवाई बाई डी एक्स जो हमने एक्स को सपोज किया है उसका यूज करने के लिए उसको तैयार करेंगे, तो कॉसेक्स स्क्वेर वाई that is minus 1 upon 1 plus cot square x. ये हो जाएगा हमारा 1 plus cot square y. Now यहां पर हम cot square y की formula substitute करेंगे, तो ये हो जाएगा minus 1 upon 1 plus x square. सो डीवाई बाई डी एक्स हमारा हुआ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारी इनवर्स की बेसिक फॉर्मूला है, और यहां पर ये उसका सिंप्लीफिकेशन है. तो ये टाइप का जब हमारे पास सम आएगा तो ये सम को हम ये एंगल से ये वैसे कंप्लीट करेंगे. बट अगर हमारा सम tan इनवर्स x या cot इनवर्स x की जगह पर समथिंग कुछ डिफरेंट है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें वो देखना है. यहां पर ये ध्यान से वेरीफाई करना है, ध्यान से ये सम समझना है. तो सपोज y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड द गिवन कंडीशन इज माइनस वन अपॉन रूट थ्री लेस देन एक्स लेस देन वन बाई रूट थ्री. अब स्टूडेंट, ये सम की जब हमको डेरिवेटिव लेनी है, तो अगर वो टेन इनवर्स एक्स होता तो ऊपर जैसे सम किया वैसे वो सम कंप्लीट हो जाता. लेकिन यहां पर टेन इनवर्स एक्स के अलावा कुछ डिफरेंट चीज है जिसकी डेरिवेटिव डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सेकेंड चैप्टर है उसका 90% यूज करेंगे. तो वो यूज कैसे करना है, क्या करना है, उस पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करना है.
अगर ये एक सम आज आ गया तो समझ लो हमारा थर्ड सम आप कर पाओगे, और थर्ड सम आ गया तो फोर्थ सम, और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करना है कंसंट्रेट करो। y इक्वल टू टेन इनवर्स x आउटसाइड है, तो हमको x की वैल्यू ऐसे कुछ सपोज करनी है कि टेन इनवर्स के साथ टेन वाला कोई फॉर्मूला सेट हो। और ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है वो हमने आगे बता रखा है। तो यहां पर हम लेंगे x इक्वल्स टू टेन थीटा फॉर्मूला। हमारा वीडियो नंबर 13 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला भी दे रखी है, इनवर्स की भी फॉर्मूला दे रखी है। विदाउट दैट फॉर्मूला ये टॉपिक करना इम्पॉसिबल है। तो टेन इनवर्स आउटसाइड है, तो अंदर हमको टेन थीटा वाला टेन के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला चाहिए। और ध्यान से ये फॉर्मूला पर कंसंट्रेशन करोगे तो एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा सपोज करने से ये होगा टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। नाउ आपको ख्याल आ गया होगा कि ये है फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा वाई इक्वल्स टू। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा, उसका आंसर मुझे लिखना है थ्री थीटा। बट आपको अगर ख्याल होगा तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, द आंसर इज थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। यानी यहां पर एट प्रेजेंट हमारे पास जो है टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, तो ये थ्री थीटा आंसर लेने के लिए थ्री थीटा को उसकी ओरिजिनल कंडीशन थ्री थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सेटिस्फाई करने का रूल क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन हमको थ्री थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू मिलेगा, तभी इसका आंसर हम थ्री थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैंने फिलहाल दे दिया नंबर वन, और इसको हम यहां पर छोड़ रहे हैं। अब हमारी एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन बुक है, मींस एनसीईआरटी जो प्योर सीबीएसई का पार्ट है, उस बुक के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो गुजरात बोर्ड पब्लिश करता है रेफरेंस बुक, उसमें टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का आंसर थ्री थीटा लिखते समय कंडीशन को सॉल्व करना जरूरी है, ऐसे बताया है। तो यहां पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और उसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कंडीशन सेटिस्फाई करना सीखेंगे, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन करना है। तो यहां पर वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, थ्री थीटा आंसर लाने के लिए हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको नंबर एक देने के बाद हम गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, माइनस वन अपॉन रूट थ्री लेस देन एक्स लेस देन वन अपॉन रूट थ्री, ये गिवन कंडीशन है। अब ये गिवन कंडीशन को हमको क्या करना है, ये जो एक्स है उसको इन टर्म्स ऑफ टेन लेना है, क्योंकि यहां हमने एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा सपोज कर रखा है। तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ टेन लेंगे तो वो हो जाएगा लेस देन टेन थीटा। एक्स को हमने लिया इन टर्म्स ऑफ टेन। नाउ एक्स को अगर हम टेन के टर्म्स में ले रहे हैं तो वन अपॉन रूट थ्री भी टेन के टर्म में, और माइनस वन अपॉन रूट थ्री भी टेन के टर्म्स में होना चाहिए। तो वन अपॉन रूट थ्री इन टर्म्स ऑफ टेन अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा टेन पाई बाई सिक्स, टेन पाई बाई सिक्स। और माइनस वन अपॉन रूट थ्री को अगर हम टेन के टर्म्स में लेते हैं तो वो हो जाएगा माइनस टेन पाई बाई सिक्स। वंस अगेन, जो गिवन कंडीशन है वो एक्स वाली कंडीशन है जिसके जिससे हमारा सम बना हुआ है। अब वो एक्स को हमने टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो कंडीशन को हम टेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, थीटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेन। तो
तो अगर एक्स को टेन के टर्म में लिखते हैं तो जो वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री है उसको भी टेन के टर्म्स में लिखेंगे। नाउ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है थीटा, बट थीटा के साथ में हमने टेन थीटा भी ले रखा है तो यहां पर टेन थीटा आना जरूरी था। अब टेन थीटा को हमको निकाल देना है, टेन थीटा जो है उसमें से हमको टेन को निकाल देना है। तो इनइक्वालिटीज में से जब हम फंक्शन को दूर करते हैं तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, तो टेन ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो टेन इंक्रीजिंग फंक्शन में होने की वजह से वो फंक्शन वो थीटा में आएगा या थीटा से दूर होगा, वो जो इनइक्वालिटीज है उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। तो यहां पर टेन आया और टेन गया -π/6, लेस देन थीटा लेस देन π/6 हुआ। वंस अगेन एक्स को हमने कन्वर्ट किया थीटा के फॉर्म में और यहां पर एक्स के साथ में थीटा के अंदर टेन भी है तो एक्स की जगह पर आया टेन थीटा और 1/√3, 1 -1/√3 की जगह पर आया -10π/6, 10π/6। अब फॉर द कंडीशन अवर रिक्वायरमेंट इज थीटा, तो टेन दूर करना पड़ेगा, टेन को लेना है या टेन को दूर करना है, अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ता है। तो टेन वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट, तो यहां पर टेन आएगा या टेन जाएगा उससे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमने तीनों पार्ट में से टेन को रिड्यूस कर दिया, निकाल दिया। इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज में, तो वो हो गया -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। नाउ -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6, नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज 3 थीटा। तो वॉट एवर इनइक्वालिटीज अभी सेट हो रखी है उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, तो -3π/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/6। स्टूडेंट ये इनइक्वालिटीज को हैंडल करने का हम लीनियर इनइक्वालिटीज में सीख चुके हैं कि जब जब भी कोई पॉजिटिव चीज इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई होती है या उससे बाहर आउटसाइड होती है तो वो एज यूजुअल इनइक्वालिटीज को कोई चेंज नहीं करती है, वैसे ही इंक्रीजिंग फंक्शन अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होता है या कॉमन निकलता है तो भी इनइक्वालिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 3 से कटिंग करेंगे हम तो दिस इज -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2 एंड ये हो गया 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। हमारी कंडीशन हमको क्या चाहिए चाहिए थी एक बार वंस अगेन रिकॉल करते हैं। y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स साइन x है तो इसका आंसर x आएगा, बट वो x जो होगा वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 में होना चाहिए। तो ये सब में हमको मिला था साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये 3 थीटा को ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 में होना चाहिए था जो हमने गिवन कंडीशन से ऑप्टेन किया है। बहुत इजी है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करना है, कौन से रूल अप्लाई किए वो देखना है। तो मैं वंस अगेन इसको रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो थी -1/√3 लेस देन एक्स लेस देन 1/√3। अब हमने एक्स को सपोज किया था टेन थीटा जहां पर हमको थीटा रिक्वायरमेंट थी, तो हमने एक्स के प्लेस में टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट किया तो 1/√3 और -1/√3 को भी टेन से रिप्लेस करना पड़ा। तो यहां पर हमारे पास आ गया था ये
माइनस टेन पाई बाई सिक्स लेस देन टेन थीटा लेस देन टेन पाई बाई सिक्स। अब थीटा की रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास आ गया था टेन भी, तो टेन को निकालना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्री जो इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई होता है या कॉमन निकलता है, वहां पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। तो टेन थीटा जो होता है ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो टेन थीटा आया और टेन थीटा गया। नाउ आफ्टर दैट जो थीटा की हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी थ्री थीटा की, तो यहां पर थीटा को हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया और उससे ऑप्टेन हुआ हमारा कंडीशन। नाउ आफ्टर दिस वंस अगेन हमको वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा लेना है, साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा लेना है और उसका आंसर होगा थ्री थीटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर टू। अगर टू कंडीशन नहीं होती तो हम ये नहीं लिख सकते। अब एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है, जो प्योर एनसीसीबीएसई जिसको बोलते हैं, उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, लेकिन गुजरात बोर्ड में कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, गुजरात बोर्ड के रेफरेंस बुक में करते हैं, तो हमने वो कंडीशन प्रॉपरली सेटिस्फाई की है। नाउ दिस इज वाई इक्वल्स टू थ्री, थीटा हमने लिया था एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, हमने लिया था एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहां पर थीटा होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पर थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो यहां तक का जो हमने काम किया है ये काम हमारा हो गया सेकेंड चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का। अब यहां पर ये 90% काम करने के बाद अब हम डेरिवेटिव में जाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई बोथ साइड टेकिंग डेरिवेटिव थ्री टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर इज थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये विथ कंडीशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हमने डेरिवेटिव लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। एक और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमको कंडीशन सेटिस्फाई करना आ जाए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हमारे पास होने चाहिए, इनवर्स की डेरिवेटिव के फॉर्मूला होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो एक सम में हमने प्रॉपरली किया है, अब सेकेंड सम हम ट्राई करते हैं। नाउ द न्यू प्रैक्टिस, y इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड द गिवन कंडीशन इज जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। नाउ स्टूडेंट वंस अगेन अगर ये ओरिजिनल है तो हम आगे वाली मेथड पर जाएंगे, अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो हमने सेकेंड सम किया है उसी टाइप से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सम हम ले रहे हैं। नाउ आउटसाइड अगर साइन इनवर्स है तो अंदर ट्राई करना है साइन वाला कोई टर्म आए, लेकिन अगर साइन नहीं आता है तो हम कॉस भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर आउटसाइड टेन इनवर्स है, सपोज अभी हम सोच रहे हैं सपोज आउटसाइड टेन इनवर्स वाला टर्म है, तो अंदर ऐसे कुछ सपोज करके फॉर्मूला लाना है कि टेन इनवर्स के साथ टेन आए। अगर टेन नहीं आता है तो कॉट आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि टेन थीटा को रिप्लेस करता है कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा से। तो यहां पर अगर साइन इनवर्स आउटसाइड है तो ट्राई करना है अंदर साइन वाला फॉर्मूला आए, बट अगर साइन पॉसिबल नहीं है तो कॉस भी चलता है, तो उसी को हम प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का जो हमको नॉलेज है उससे हम देखेंगे, तो ये होगा हमारा x इक्वल्स टू टेन थीटा। सो हियर थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x हम लिख पाएंगे। तो x इक्वल्स टू टेन थीटा को अगर हम सब्सिट्यूट करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ये हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला हमारा बना साइन तो नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा बना कॉस 2 थीटा का। तो हमने आगे बात की कि साइन इनवर्स आउटसाइड है तो हमको अंदर साइन चाहिए, बट साइन अगर नहीं मिलता है तो कॉस भी मिलेगा तो चलेगा। अब कॉस 2 थीटा मिला हुआ है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है साइन, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हमने 11th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेंट को हैंडल करना सीखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये हमारा हुआ क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू पाई बाई 2, फंक्शन चेंज होता है तो वो फाइनली हो जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा। तो साइन इनवर्स के साथ साइन चाहिए लेकिन साइन नहीं आया, कॉस 2 थीटा आया, तो उसको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करने से वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर इसको हम नंबर 1 कहते हैं और यहां पर अब हमको लाना है इसका आंसर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, आंसर मिलेगा एक्स, तो यहां पर आंसर मिलना चाहिए हमको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बट ये आंसर लिखने से पहले हम कंडीशन को प्रूफ करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा वो अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्मूला क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आंसर मिलना चाहिए वो होना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 या इससे छोटा, या इसके अंदर का कोई भी पार्ट चल सकता है। तो यहां पर हम बेसिकली सेटिस्फाई करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आंसर ये रेंज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो वो रेंज सेटिस्फाई करने के लिए हम गिवन कंडीशन यूज करेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1। अब ये x को हम अकॉर्डिंग टू जो सपोज किया है उस पर ले जाएंगे, तो हमने x को सपोज किया है 10 थीटा के फॉर्म में। हमारी रिक्वायरमेंट थीटा है लेकिन 10 भी साथ में है, तो x इन टर्म्स ऑफ 10 लिखेंगे, दैट इज लेस देन 10 थीटा लेस देन नाउ 1 इन टर्म्स ऑफ 10, क्योंकि जब हम x को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वालिटीज के जो सपोर्टेड नंबर है उसको भी वही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10π/4 और ये हो जाएगा 10 0। नाउ स्टूडेंट, यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट थीटा है लेकिन 10 आ गया है, तो आया है तो उसको जाना पड़ेगा, और जाने के लिए हम देखेंगे 10 कैसा फंक्शन है। 10 अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो फंक्शन में आए या फंक्शन से हटे, कॉमन एंड कैंसल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर 10 ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो अगर हम कॉमन एंड कैंसल करेंगे तो इनइक्वालिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4 हुआ, 10 आया और 10 गया, कौन किसकी मदद से? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने ये सोचा है। नाउ हमारी जो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के लिए ये थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 ये हो जाएगा 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन, यहां पर मैं डायरेक्टली टर्म 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा पाई बाई 2। नाउ 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाई 2। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट बार बार हमको याद करनी है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर ये इनइक्वालिटीज को माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा है कि जब इनइक्वालिटीज को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी मस्ट चेंज।
तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हुई, बट अकॉर्डिंग टू इंटरवल हमको ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज नहीं चाहिए, तो इसको हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट होके हो जाएगा माइनस पाई बाई टू लेस देन माइनस टू थीटा लेस देन जीरो। हमने कुछ नहीं किया है, ये जो ग्रेटर देन है जो जीरो से स्टार्ट होता है वो हमने माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट किया है, तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। अब हमको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये माइनस टू थीटा में पाई बाई टू चाहिए, तो हम पाई बाई टू एड कर रहे हैं, और एड करने से इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये हमने इसको ऐड कर दिया, पाई बाई टू को हमने इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा जीरो लेस देन पाई बाई टू माइनस टू थीटा लेस देन पाई बाई टू। और स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा तो ये हमारी रेंज सेटिस्फाई हो गई है ओपन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू। द ओरिजिनल रेंज हमारी है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और रिक्वायर्ड टर्म को इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, या तो एग्जैक्ट ये मिलना चाहिए या इसके अंदर का कोई भी पार्ट हो वो चलेगा, इससे आउटसाइड नहीं होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन करने का काम पूरा हो गया। यहां पर हमारा सेकेंड चैप्टर का जो पोर्शन है 90% जो सम का पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ आफ्टर सेटिस्फेक्शन हमको सम वापस रिपीट करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, सो वो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा y इक्वल्स टू। तो यहां पर हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है, नाउ डेरिवेटिव एंटर करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट हुआ तो उसकी डेरिवेटिव जीरो होगी, और माइनस टू थीटा यानी माइनस टू डी बाई डी एक्स, ये थीटा को रिप्लेस करेंगे हम टेन इनवर्स से। स्टूडेंट हमने एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा लिया है, तो थीटा होता है टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमने बोथ द साइड टेकिंग डेरिवेटिव, पाई बाई टू की डेरिवेटिव जीरो हुई, माइनस टू आउटसाइड लिया, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा जहां थीटा को हमने रिप्लेस किया टेन इनवर्स से, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू टेन इनवर्स की डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हुआ माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये वीडियो का हमने होमवर्क समरी सम का सॉल्यूशन दे रखा है, प्रॉपरली वीडियो को ऑब्जर्व करो, प्रॉपरली समरी देखो, उसमें भी सॉल्यूशन दे रखे हैं, और माइंड में ये सेटअप करो कि सम कैसे करना है। ये सब में जो हमने टेक्निक दे रखी है वो ऑलमोस्ट सभी सब में एक टाइप से चलती है, कि सबसे पहले हमको सपोजिशन लेना है, सपोजिशन लेने के बाद नंबर वन पर आना है कि जहां पर रिक्वायर्ड टर्म की कंडीशन हमको ऑप्टेन करनी पड़ती है, उसके बाद गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर टू पर आना है, और नंबर टू अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो डेरिवेटिव एंटर करके फाइनल सम में एंटर होना है। तो होमवर्क करो, समरी को ध्यान से देखो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।